वे रांझना वे जो तू प्यार वाली वंजली वजाना है ते वंजली दी मिठड़ी तार मेरे रूह च लै जांदी है ते मैं कमली ते चली हो जानी हाँ। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। वे पहला मेरा सिर दा साई शहीद हो गया ते मैं सबर कर लिया ते हुण मेरा पुत्र मेरे को ना खोवो। खुदा दे वास्ते मैनू पैसे नहीं चाहिए। सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें चांदनी रातें। लोकां संग प्यार वाली करिए कोई मिठी गल। चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल। Assalamualaikum, good morning, Safe City के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रुमशावान और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे। इस उम्मीद के साथ के आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाजीन आपको बताते चलें कि आज हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। 1990 की दहाई से अब तक उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि वो मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। जो हमारे नामवर गुलकार हैं उनकी आवाज में वो गाना भी गा लेते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में उनको मधु किया है। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ वो कैसे कर लेते हैं और ये कब से कर रहे हैं। ताल्लुक भी पंजाब पुलिस से है, ये भी बहुत स्पेशल बात है। और आइए अब हम उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद यासीन तबस्सुम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आमद का। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले तो मैं सेफ सिटी की टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। अदाकारी आप कब से कर रहे हैं और कैसे शुरू किया ये सब आपने? एक्चुअली ये इंसान के अंदर मौजूद होती है लेकिन मौका कभी कभी मिलता है। जब मिलता है ना तो इंसान स्टार्ट ले लेता है। ठीक है, मतलब जब मौका मिलता है। हाँ, फिर आपने जिंदगी में जब आपको मौका मिलता है कि आप करते गए हैं। अब तक आप कितने ड्रामास में काम कर चुके हैं? मैं तकरीबन 20-25 ड्रामा टीवी के कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कौन कौन से हमें बताइए कोई? उनमें से पुलिस इनकाउंटर है, अंबर बेल है, गरीबे शहर है, ठीक है, मलूक है, आ है, मिर्जा साहबा है, ठीक है, उसके अलावा गरीबे शहर है, इस किस्म के और भी बहुत से ड्रामास हैं। तो ये पाकिस्तान टेलीविजन पे आपने प्लेस करी है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इन सारे ड्रामास में कोई ऐसा रोल जो बहुत मुश्किल था और किसी और ने नहीं किया वो आपने किया हो? वो हमारे पुलिस का एक प्ले था जिसमें एक शोधा को हमने पेंट करना था, वो दिखाना था। तो उसकी वालदा का करेक्टर कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार ये करेक्टर मैं करूँगा। वो मैंने बड़ा मुश्किल करेक्टर था जो मैंने वो प्ले किया, तो मुझे खुद भी मज़ा आया वो करेक्टर करने का। इस तरह वो मुश्किल तो अच्छा, था लेकिन सब ये वाले करेक्टर जो हैं और ये वाले रोल हैं बजाय तो वो दिखने में होता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन जब एक बंदा उसमें बिल्कुल वो कर रहा होता है सेंसिटिव हो जाता है तो बहुत सेंसिटिव है और बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली करेक्टर वही होता है जिसमें आप खूब कर काम डल जाए। हाँ जी, उस करेक्टर में डल जाए। यासीन साहब आप थोड़ा करके दिखाएंगे हमें वही रोल जो शोधा की माँ का है जो आपने किया और जो बड़ा मुश्किल था? वो ये करेक्टर था कि जब उसकी डेड बॉडी आती है उसके घर में तो उसकी वालदा का क्या, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। शोधा की जो वालदा का रिएक्शन। जी, वे पुत्रा मैनू पैसे नहीं चाहिए, वे मैनू मेरा पुत्र चाहिए, वे मैनू पैसे नहीं चाहिए। वे पहला मेरा सिर दा साई शहीद हो गया ते मैं सबर कर लिया ते हुण मेरा पुत्र मेरे को ना खोवो। खुदा दे वास्ते मैनू पैसे नहीं चाहिए, मैनू मेरा पुत्र चाहिए, मैनू मेरा पुत्र चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। यासीन साहब ये मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तानी के जो नामवर गुलकार हैं उनके साथ भी आपने टाइम स्पेंड किया। बताते हैं कि बहुत से ऐसे गुलकार हैं जिनके साथ आपने काम किया। कौन कौन से गुलकार हैं? नुसरत फ़तेह अली साहब। अच्छा। इनका इनके साथ मैं गुजरात में किया था, तो नारोवाल में मसूद राना साहब, मनीर हुसैन और पठाने खान थे, ठीक है। तो इसके अलावा पाकिस्तान रेशमा के साथ मैंने जंडाला शेर खां का वो मेला लगता है वहाँ पे मैंने प्ले किया। सही। उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी नामवर गुलकार हैं उनके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा किसके साथ आया और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन पर्सनालिटी कौन सी लगी आपको? मज़ा तो अपने पुलिस ड्रामों में आता है क्योंकि उसमें हम लोगों का कोई मकसद होता है जो हम सारी फोर्सेस के लिए उसका फ़ायदा होता है, इसलिए फोर्सेस में ज़्यादा मज़ा आता है ड्रामों में काम करने का।
अच्छा यासीन साहब, कौन से इतनी ज़्यादा गुलकारों के साथ काम किया, किसकी शख्सियत सबसे ज़्यादा मुतासर कुल लगी आपको, जिससे आप मुतासर हुए हो? मैं मैडम को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा है, तो उसकी कॉपी मैं आपको जी प्लीज़ बताइए उनकी मिमिक्री किस तरह से करते हैं। अच्छा, वैसे उनकी मिमिक्री करना बहुत बड़ा टफ है, मतलब मैडम नूरजहां की मिमिक्री करना बड़ा। एक ठीस से दिल में होती है, एक दर्द सा सीने में उठता है, हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है, हो चांदनी रातें, हाय चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें। यासीन साहब, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे गुलकार हैं जिनकी आप मिमिक्री कर लेते हैं? सलमा का हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम है, बड़ा अरसा उन्होंने फिल्मों में गुलकारी में अपना नाम कमाया, उनके आवाज़ का जी जी प्लीज। एक बार मिलो हमसे, एक बार मिलो हमसे, तो सौ बार मिलेंगे हम, जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। यासीन साहब, इसके अलावा भी कोई और गुलकार है जिसकी आप मिमिक्री कर लेते हैं? जी, वो रूना लैला बांग्लादेश की बहुत अच्छी गुलकारा थी। अच्छा। उनकी आवाज़ बहुत ही जैसे कोयल की आवाज़ थी, उनकी आवाज़ में एक मैं पंजाबी गीत जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, वो मैं आपकी खिदमत जी प्लीज़ जी प्लीज। वे सजना तू आ जावी, तू आ जावी सजना लेके दिल विच मेरा प्यार, ओ होए कसमा ओ होए वादे ओ होए कॉल करार, ओए वे सजना तू आ जावी, ना चांजर ना चुमके अड़िया, ना चांजर ना वंगा, मैनू तेरी लोड़ सोनिया, होर मैं कुछ ना मंग, कचलिया माया इस कमली दा तू यो हार शिंगार, ओए वे सजना तू आ जावी, तू आ जावी सजना लेके दिल विच मेरा प्यार, तू आ जावी सजना लेके दिल विच मेरा प्यार। अच्छा यासीन साहब, आपने इतने ज़्यादा आप गुलकारों की आवाज़ में भी गा लेते हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंसेज आपकी बहुत ज़्यादा हैं, एज एन एक्टर के भी आपको अवार्ड भी दिया गया और नवाजा गया इस चीज़ जी। 90 में पुलिस लाइन में एक शो हुआ था पुलिस। अच्छा। का हमारा, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे जो हमारे चीफ थे उस वक्त के। अच्छा अच्छा। उन्होंने हमें अवार्ड दिया था 4,000-5,000 रुपया। अच्छा। उसके अलावा 92 में मैं इस्लामाबाद लियाकत जमीज़ में प्ले किया था। अच्छा। उस वक्त तावला ईसा खेल भी हमारे साथ थे, उस वक्त भी अवार्ड हमें मिले, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हमने लियाकत जिमनेजियम में, वो हाल है जिसमें कोई और नहीं प्ले किया, हम लोगों ने किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा यासीन साहब, आपको अपने जो अब तक आपने करेक्टर किए उसमें सबसे ज़्यादा करेक्टर आपको कौन सा पसंद है, और वो करेक्टर फिर आप हमें करके भी दिखाएंगे? वो करेक्टर हीर का करेक्टर है। अच्छा। जो एक तो रांझा पंजाबी फिल्म रांझा फाइक फाइक रांझा है और आप हीर है, और आप करेक्टर करके दिखाएंगे हमें। वे रांझना, ये जो तू प्यार वाली वंजली बजाना है, ते वंजली दी मिठड़ी तार मेरे रूह च लै जाती है, ते मैं कमली ते चली हो जानी हाँ, ये टॉकिंग थी उनकी। अच्छा अच्छा, इस तरह से आपने अब रांझा कुछ कहेगा तो आगे से ही कहेंगे रांझा साहब, आप भी कुछ कह दें। अच्छा, पुलिस वालों के लिए आपने गाना सुनाया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, वो हमें सुनाइए, कौन सा गाना जो आपने पुलिस वालों के लिए गाया? जी, हमारे शायर वीर सिपाही साहब बहुत हमारे उस्ताद भी हैं। अच्छा। उनका एक गीत लिखा, मैं जानते हैं हम लोग उनके साथ प्रोग्राम भी किया हुआ है जी, उनका गीत लिखा हुआ है जो मैंने
गाया था, बहुत से हमारे पुलिस के शोज में मैं प्ले करता हूँ। ठीक है। लोकां संग प्यार वाले करिए कोई मिठी गल, चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल, चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल, दिलां विच फुल खिड़ाइए हुदूरी दिलों मकाइए, रोंदे लोक हसाइए पुलिस दी शान वधाइए, तक रहे ने अजलां तो लोकी सारे तेरे वल, चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल, चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल, वीर खलाक मोहब्बत वाली वर्दी रखनी पाके, लोकां दे दुख दर्द वंडाउणे अपने दुख भुला के, पुलिस लाहौर पिशौर दी ते पावे है मुल्तान दी, साहिल जेड़ा वे करिए सबो मसले ओदे हल, चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल, चल सपाइया चल सपाइया चल जवाना चल। वंडरफुल यासिन साहब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया आपके साथ वक्त गुजार कर। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप आए और आपने जो है आज की जो हमारे मॉर्निंग था उसे चार चांद लगा दिया, और बहुत ज़्यादा हमने भी इंजॉय किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आएगा। आप में भी कोई टैलेंट मौजूद है और अगर आप पुलिस से ताल्लुक रखते हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको भी इन्वाइट करेंगे अपने शो में और आपके टैलेंट को दुनिया के सामने आने का मौका देंगे। इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात कि आपने शुक्र आज रिमशा को याद थी आपने हमें फेसबुक पे फॉलो करना है, आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।